गाइस, वीडियो बहुत ज़बरदस्त बनी है, लेकिन बहुत सारे लोग ना ही शेयर करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ यार कर दो, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस में। एक और बात, हमारा सेकंड चैनल भी है, तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वीडियो देखते देखते भी सब्सक्राइब कर सकते हो, तो प्लीज़ कर लो यार। एंड बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियोज़ में आना चाहते हैं, हम लोगों से बात करना चाहते हैं, मिलके वीडियो बनाना चाहते हैं, तो डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लो। हम लोग वहाँ डेली शूट करते हैं, मस्ती करते हैं, तो प्लीज जरूर से आना सर्वर पे। पापा, ये क्या हो गया पापा? अगर हम लोग पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे तो उस बंदे को कहाँ से देंगे 5 लाख? करण ने मुझ पे भरोसा करके मुझे 5 लाख रुपए दिए थे, पर मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया पापा। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। करण कितना अच्छा इंसान है, उसने हमारी कितनी बार मदद की, पर हम उसका एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाए। तुम्हें करण से बात करनी चाहिए बासु, वो तुम्हारी बात सुनेगा, वो तुम पे बहुत भरोसा करता है, एक बार बात करके देखो बासु। ठीक है पापा, अगर आप बोलते हो तो मैं एक बार बात करता हूँ। हाँ बासु बेटा, करो बात, करण तुम्हारी बात का विश्वास जरूर करेगा। उम्मीद तो यही करता हूँ कि करण मेरी बात का विश्वास करे। बेटा, तुम ज्यादा मत सोचो और उसे कॉल करो, अगर वो पैसे वाला बंदा आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। ठीक है पापा, मैं अभी कॉल करता हूँ। आपका कट चुका है, अब बात करने से कोई फायदा नहीं। अरे यार, ये फोन लग ही नहीं रहा। पापा, मैंने कॉल किया पर उसे कॉल लग ही नहीं रहा, वो बंदा आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बेटा, अपनी तो किस्मत ही खराब है, अब हमारा क्या होगा बेटा, हम उसे 5 लाख रुपए कैसे देंगे? करण ने मुझे यहीं का एड्रेस दिया था, लगता यही घर है। अरे हेलो, तुम बासु हो क्या? हाँ, मैं ही बासु हूँ, आप कौन? अरे वो करण ने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था, मुझे तुमसे 5 लाख रुपए लेने हैं। करण से तुम्हारी बात हुई है ना? हाँ भैया, करण से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे आपको 5 लाख रुपए देने को कहा है। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं कल ही आने वाला था लेकिन किसी काम में फंस गया और आ ही नहीं पाया। अच्छा भैया। अरे इन सब बातों को छोड़ो और मुझे मेरे पैसे दो। भैया, एक गड़बड़ हो गई है, करण ने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे और वो चोरी हो गए। कल रात वो बैग मेरे पास ही था, पर आज जब उठा तो वो बैग चोरी हो चुका था। प्लीज भैया, मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं पैसों का जुगाड़ करता हूँ, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। मुझे तो लगता है उस करण ने मुझे धोखा दिया। अरे भैया मेरी बात तो सुनो भैया, ऐसा कुछ नहीं है, करण ने आपको कोई धोखा नहीं दिया, वो मेरी गलती है, मेरे पास से पैसे चोरी हो गए। हाँ बेटा, ये सच बोल रहा है, पैसे हमारे पास थे, वो भी पूरे 5 लाख, पर किसी ने चोरी कर लिया। तुम सब उस करण से मिले हुए हो, उस करण के कारण मेरा काम रुक जाएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उस करण को। अरे बेटा सुनो हमारी बात, बेटा सुनो हमारी बात, रुक जाओ बेटा। पापा, ये क्या हो गया पापा, इसे तो हमारी बात का विश्वास ही नहीं है, मुझे तो लगता है करण भी हमारी बात का विश्वास नहीं करेगा। तुम नहीं जानते बेटा, ये दुनिया कितनी मतलबी है, पर इस मतलबी दुनिया में एक दोस्त ही होता है जो तुम्हारी हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हारी मदद करता है। पापा, आप ठीक कह रहे हो, करण मेरा सच्चा दोस्त है, वो मेरी बात का विश्वास जरूर करेगा। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ, मैंने और रवि ने मिलके उस बासु से पैसे चुरा लिए और जल्द ही वो पैसे हम सब में बटेंगे। वैसे उस बासु का बहुत बुरा हाल होने वाला है। प्रेम, मुझे ऐसा नहीं लगता, करण और बासु बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुझे याद होगा
करण ने उसे 2 लाख रुपए दिए थे, वो भी घर खरीदने के लिए। अब तू ही सोच, जो उसे 2 लाख दे सकता है वो उसे 5 लाख नहीं दे सकता। रवि, मुझे पता है ऐसा हो सकता है, पर मैं ऐसा होने दूंगा नहीं। यहाँ बात है भरोसे की, ना कि पैसे की। हमें करण के भरोसे से खेलना है और बासु को भरोसे वाला बनाना है। थोड़ी ही देर में करण आता होगा, हमें उसे बासु के खिलाफ इस तरीके से भड़काना होगा कि लगे बासु चोर है। मगर हाँ, हमें ऐसा भी नहीं दिखाना है कि हमें मालूम है कि पैसे चोरी हो गए, नहीं तो उसे शक हो जाएगा और हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है प्रेम, आने दो उस करण को। अरे तुम लोग यहाँ? हाँ यार, तू आने वाला था तो हम लोग भी आ गए। वैसे ये बता, तेरा काम हो गया? मैंने सुना तूने उस भिखारी बासु के घर पे 5 लाख रुपए रख दिए पेमेंट के लिए। तू उस पे कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं दिखा रहा? तुझे पता है मैं उस पे खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। 5 लाख रुपए क्या, 5 करोड़ भी होते तो उसी को दे के जाता। मुझे पता है तू उस पे बहुत भरोसा करता है, पर इतना भी भरोसा मत दिखा कि भरोसे वाला ही। बाकी समझ जा। प्रेम बस कर, मैं बासु के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। अगर तुझे उस बासु से प्रॉब्लम है तो उससे दूर रहा कर, मगर उसके खिलाफ अब एक शब्द भी नहीं। पैसे देख के तो अच्छे अच्छों का मन डगमगा जाता है, तो वो भिखारी बासु क्या चीज है? मुझे तो नहीं लगता ये पेमेंट हुई होगी। तू कहना क्या चाहता है? यही कि उस बासु ने तेरे पैसे खा लिए होंगे, तेरी पेमेंट नहीं हुई होगी। बस कर प्रेम, बस कर। अबे साले करण, तूने मुझे धोखा दिया है। अगर तुझे पेमेंट नहीं करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया? क्या, पेमेंट नहीं हुई? अब साले ज्यादा बन मत और मेरे 5 लाख रुपए निकाल। तू बासु के घर गया था, मैंने उसे 5 लाख रुपए दे रखे हैं। साले कितना झूठ बोलेगा, मैं उसके घर गया था, उसने कहा पैसे चोरी हो गए। अब मुझे नहीं पता, मुझे मेरे 5 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। देख लिया ना करण, पड़ गई मन को ठंडक। दे दिया ना उसने धोखा। उस बासु से मुझे क्या था, मैं तो बस तेरे बारे में सोच रहा था। मुझे तो लगता है पहले वाले 2 लाख भी बहाना था और ये 5 लाख भी गए। अभी भी टाइम है, उस बासु से दूर हो जा, नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगा। अरे मुझे मेरे पैसे दो। मुझे थोड़ा टाइम दे, बस थोड़ा सा टाइम, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। चल ठीक है, तुझ पे भरोसा करके जा रहा हूँ। मैंने कहा था अमाउंट बढ़ता जाएगा, 2 लाख से 5 लाख हो गया। मुझे लगा था बासु मेरा दोस्त है, पर उसने मुझे धोखा दिया। मैं उस बासु को छोड़ूंगा नहीं, अपने सारे पैसे निकलवाऊंगा। करण, मैं भी चलूंगा तेरे साथ, मैं उससे बात करता हूँ। चलो अभी चलते हैं। बासु, पेमेंट क्यों नहीं हुई? मैंने तुझे 5 लाख रुपए दिए, फिर भी पेमेंट क्यों नहीं की तूने? यार करण, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तूने जो पैसे दिए थे वो चोरी हो गए। पर तूने ये पैसे अपनी जिम्मेदारी पे लिए थे कि तू पेमेंट कर देगा, पर पेमेंट नहीं हुई। अब ये किसकी जिम्मेदारी होगी? मुझे पता है करण, ये मेरी जिम्मेदारी थी, पर मेरी कोई गलती नहीं है। पैसे चोरी हो गए, मैं क्या करूं? हाँ बेटा, ये सच बोल रहा है, पैसे चोरी हो गए। तुम्हें तो मुझ पे विश्वास है ना बेटा? नहीं अंकल, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे पैसे चाहिए और वो 2 लाख रुपए भी जो मैंने आपको पहले दिए थे। अरे बेटा, तुम ये क्या बोल रहे हो बेटा? हम लोग इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? हमें थोड़ा टाइम दो बेटा। मैंने आप लोगों पे बहुत भरोसा किया था,
और इस भरोसे पे आपको ये पैसे दिए थे, मगर आप लोगों ने क्या किया, उस विश्वास को तोड़ दिया और मुझे धोखा दिया। बासु तू कहीं से भी ला, पर आज के आज मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम लोगों पे केस कर दूंगा। बासु अपने दोस्त को धोखा देने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा क्या मिला तुझे ये करके? प्रेम मैं सच बोल रहा हूँ, वो पैसे मेरे पास नहीं है, किसी ने उन पैसों को चोरी कर लिया। बस करो बासु, अब बस करो, तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है। कहीं से भी लाओ, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी आज के आज, वरना तुम लोग जेल में जाओगे। सुन लिया तुम दोनों ने, पैसों का इंतजाम करो वरना मैं पुलिस लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, पुलिस को मत बुलाना, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, यही आप सबके लिए अच्छा होगा। ये साले गरीब कभी भरोसे के लायक होते ही नहीं है। तू ठीक बोल रहा है। पापा ये क्या हो गया पापा, मेरे प्यारे दोस्त करण ने भी मेरा विश्वास नहीं किया। बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहाँ से लाएंगे 7 लाख रुपए आज के आज? आज के आज 7 लाख रुपए लाना नामुमकिन है। अगर पैसे नहीं आए तो हम तीनों जेल में चले जाएंगे, कुछ भी करके पैसों का इंतजाम तो करना होगा। तुम ही बताओ क्या करे, कहाँ से लाए 7 लाख रुपए आज के आज? अगर हम लोग इस घर को बेच दे तो? अगर इस घर को बेच देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर इस घर को नहीं बेचेंगे तो ये घर भी जाएगा और हम लोग जेल में। हाँ पापा, मम्मी ठीक बोल रही है, हम लोग इस घर को बेच देते हैं। ठीक है बेटा, मैं उस डीलर से बात करता हूँ, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। हाँ पापा जल्दी करो, अगर उसके पास भी पैसे नहीं हुए तो 7 लाख का इंतजाम नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, मैं उसे तुरंत कॉल करता हूँ। हेलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे बुड्ढे रो क्यों रहा, मुझे मेरा घर बेचना है और मुझे सारे पैसे आज के आज चाहिए, प्लीज ये घर ले लो और मुझे पैसे दे दो। अरे नहीं नहीं, आज के आज पैसे नहीं दे पाऊंगा। प्लीज मेरी बात समझो, कम से कम आ तो जाओ। ठीक है आता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। पापा क्या बात हुई, वो आ रहा है? हाँ बेटा वो आ रहा है, पर पैसे देने से मना कर रहा था। पापा हम लोग उससे रिक्वेस्ट करेंगे, कैसे भी पैसे निकलवा लेंगे। हाँ बेटा ऐसा ही होगा। हाँ बताओ क्या हुआ, क्यों घर बेच रहे हो? भैया हमें पैसों की बहुत जरूरत आन पड़ी है, प्लीज ये घर ले लो और हमें पैसे दे दो भैया, अभी के अभी पैसे दे दो। अबे साले ये घर वर की डील 2 मिनट में नहीं होती, इसमें बहुत टाइम लगता है। भैया आपको जो भी प्रोसेस करना है वो करते रहना, पर अभी आप हमारे घर के पेपर्स ले लो और हमें पैसे दे दो भैया। चल एक शर्त पे ऐसा कर सकता हूँ। हाँ भैया हमें सब शर्त मंजूर है। अगर तुझे अभी पैसे चाहिए तो मैं इस घर का सिर्फ 7 लाख रुपए दूंगा, बोल मंजूर है? भैया ऐसा मत करो, इस घर का हमने 10 लाख रुपए दिए थे और आप हमें बस 7 लाख रुपए दे रहे हो। अगर तुझे पैसे अभी चाहिए तो बोल डील मंजूर है या नहीं। प्लीज भैया ऐसा मत करो, 10 लाख रुपए दे दो। चलो रे छोड़ो, इसका कुछ नहीं हो सकता, हमें कोई घर नहीं चाहिए, अपना घर अपने पास रख। अरे नहीं नहीं भैया रुक जाओ भैया, हमें मंजूर है भैया, जो है आप दे दो, पर 7 लाख रुपए पूरे देना। हाँ हाँ 7 लाख रुपए पूरे मिल जाएंगे, पर कैश नहीं, बैंक ट्रांसफर करूँगा। ठीक है भैया आपको जैसे देना है दे दो, पर दे ही देना। चल ठीक है अभी भेज रहा हूँ, ये ले चला गया। आपका बहुत बहुत थैंक यू भैया,
बहुत बहुत थैंक यू। चल अब निकल इस घर से, आज से ये घर मेरा हुआ। ठीक है भैया, ठीक है। बेटा अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? पापा जब तक हमें रहने का कोई ठिकाना नहीं मिल जाता तब तक हम लोग इस झोपड़े में रहते हैं। अगर कोई हटाएगा तो चले जाएंगे। ठीक है बेटा। बेटा पैसे तो तुम्हें मिल गए, अब जाओ इन पैसों को करण को दे के आओ, नहीं तो वो हम पे केस कर देगा। हाँ मम्मी मैं इन पैसों को करण को दे के आता हूँ, नहीं तो वो हम पे केस कर देगा। बेटा मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे साथ इतना बुरा होगा, जो दोस्त तुम पे इतना भरोसा करता था आज तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। मैं उस प्रेम को ऐसा करने नहीं दूंगा। उस 5 लाख रुपए को हम दोनों ने मिलके चुराया था और वो प्रेम उस पैसों को सभी में बांट रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। उन पैसों का असली हकदार हम हैं, और अगर उस प्रेम को पैसे नहीं चाहिए तो सारे पैसे मैं रखूंगा। मेहनत मेरी और पैसे सबके, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मैं उन सारे पैसों को प्रेम से छीन लूंगा और यहाँ से दूर चला जाऊंगा। ये रहे सारे पैसे जिसपे बस मेरा हक है। अच्छा हुआ वो प्रेम अभी घर पर नहीं है, अगर वो यहाँ होता तो मुझे ये पैसे कभी नहीं ले जाने देता। मगर ऐसा है नहीं, मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। पैसे तो मिल गए, अब बस यहाँ से 9:00-11:00 होना है। मुझे तो पता था ये रवि धोखा देगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं सोच रहा था कि ये बहुत अच्छा है, पर ऐसा है नहीं। पैसे किसी को भी पलट सकते हैं। पैसे मैंने चुराए थे तो इस पे हक भी मेरा है। मैं भी देखता हूँ तू कैसे पैसे ले जाएगा। रवि रुक जा, तू ये पैसे लेके नहीं जा सकता है। इन पैसों का आइडिया मेरा था, तू ये सारे पैसे मेरे हुए। इन पैसों को चुराने में मैंने भी तुम्हारी मदद की थी, पर मुझे कितना मिलता? बस 1 लाख। उस वक्त तुझे 1 लाख तो मिल रहे थे, पर अब वो भी नहीं मिलेंगे। ये पूरे पैसे मेरे हुए। प्रेम हट जा मेरे रास्ते से, वरना आज एक बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। तू यहाँ से भाग नहीं पाएगा, कर ले जितनी कोशिश करनी है। फिर देख मेरी कोशिश। रुक जा धोखेबाज, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आज तो आर या पार की लड़ाई है, देखते हैं कहाँ तक ये भागेगा। मुझे मेरे पैसों से अलग करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। रुक जा रवि, कहाँ तक भागोगे? प्रेम पीछे हट जा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू क्या ही कर लेगा मेरा? तो देख मैं क्या कर सकता हूँ। रवि ये तूने क्या किया? रवि मैंने पहले ही तुझे कहा था मेरा रास्ता छोड़ दे, पर तू मेरी सुनता कहाँ है? अब सारे पैसे मेरे हुए और तेरा अंत। नहीं रवि रुक जा, रवि प्लीज रवि मेरी बात सुन। साली मेरी चोरी मुझ पे ही भारी पड़ गई। अरे प्रेम ये क्या हो गया, तुम्हारी ये हालत किसने की? बासु मुझे मेरी गलती की सजा मिली है। चलो प्रेम मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं बासु काफी देर हो चुकी है, तुम बस मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसा वैसा करते जाओ। हाँ प्रेम बोलो। मेरे पॉकेट से फोन निकालो और सब रिकॉर्ड करो। ठीक है प्रेम अभी करता हूँ। करण बासु की कोई गलती नहीं है, वो 5 लाख रुपए मैंने चोरी किए थे और बासु का नाम लगा दिया। मगर क्या करे,
कर्मा तो तुम जानते ही हो, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। बासु, जल्दी से ये वीडियो करण के पास पहुंचा देना, ताकि तुम्हारी सच्चाई सामने आ सके और मेरी गलती थोड़ी सी कम हो सके। और जाते जाते एक काम कर दे बासु, नेफगेमर का सेकंड चैनल भी होगा, उसे अपने फोन से सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो प्लीज अभी ही कर दे मेरे यार, मेरे लिए कर दे। प्रेम, इतनी बड़ी सच्चाई तुमने मुझसे छुपाई क्यों? प्रेम, तुमने ऐसा क्यों किया था? तुमने मेरे और करण की दोस्ती क्यों तुड़वाई? ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करता। अगर आज तुम ये सच्चाई मुझे नहीं बताते, मैं अभी तुरंत उस करण के पास जाऊंगा और उसे सब सच्चाई बता दूंगा। करण, करण मेरी बात सुनो। करण, एक बहुत बड़ी सच्चाई मुझे तुम्हें बतानी है। बासु, चला जा यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्लीज करण, एक बार मेरी बात सुन ले, एक बार प्लीज मेरी बात सुन। कुछ नहीं सुनना है मुझे, तू मेरा दोस्त नहीं, तू एक धोखेबाज है। ये रिकॉर्डिंग मुझे प्रेम ने दी है, तू अगर एक बार इसे सुन लेगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्लीज भगवान के लिए इसे सुन ले, प्लीज यार मेरे, प्लीज। ठीक है, सुनता हूँ, पर अगर ये बेकार हुआ तो याद रखना, तू अपने पैरों पे घर नहीं जाएगा। सुनने के बाद तुझे जो करना होगा तू करना। मुझे माफ कर दे बासु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था तू चोर है, तू नहीं मेरे पैसे चुराए, पर ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। ये सारी गलती उस प्रेम की थी, उस प्रेम ने हम दोनों का इस्तेमाल किया। बासु, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दे मेरे यार। मुझे पता है करण, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तू मेरा सच्चा यार है। तू भले ही मुझे भुला दे, पर मैंने तुझे नहीं भुलाया था। बासु, सच बताऊं तो उस दिन के बाद मैं भी चैन से सो नहीं पाया। मैं हर रात यही सोचता था कि मेरा इतना अच्छा दोस्त मुझसे जुदा हो गया। बाकियों के लिए पता नहीं, पर मेरे लिए तेरी दोस्ती बहुत मायने रखती थी। पर ये क्या हो गया बासु, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं तुझ पे विश्वास नहीं कर पाया। कोई बात नहीं करण, अब भूल जा उन बातों को, सब ठीक हो गया। सच, तू भूल गया उन बातों को? हाँ यार, भूल जा उन बातों को, तू मेरा दोस्त है और तेरे लिए तो इतना चलता है। सच में यार, तू बहुत अच्छा है। चलो करण, मैं निकलता हूँ। बासु, चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, तू चिंता मत कर। ऐसे कैसे, मैं तो तुझे घर छोड़ के ही आऊंगा। अरे नहीं यार, रहने देना, आज तो तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। चल फिर ठीक है। लो, तुम्हारा घर आ गया। अरे करण, मेरी बात तो सुन। अरे रुक जा। अरे यार, ये कहाँ चला गया? अरे तुम लोग यहाँ पे, ये तो बासु का घर है, तुम लोग बाहर चलो। बासु, ये लोग यहाँ पे क्यों हैं? करण, ये घर अब हमारा नहीं है। याद कर, मैंने तुझे 7 लाख रुपए दिए थे और वो पैसे इसी घर से आए थे। अरे अरे, चलो निकलो मेरे घर से। मेरे कारण तूने ये घर बेच दिया? हाँ यार, बेच दिया। यार ये तो बहुत गलत है, ये सब कुछ उस प्रेम के कारण हुआ है। हाँ अब जो भी है छोड़ो, चलो मैं तुम्हें अपना नया घर दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हमारा नया घर। अरे बेटा, अरे करण बेटा, तुम भी आए हो? हाँ पापा, सच्चाई सामने आ गई, करण को पता चल चुका है, पैसे हमने नहीं चुराए थे। हाँ अंकल, सब पता चल चुका है। वैसे मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मैं कुछ टाइम बाद आता हूँ। ठीक है बेटा। बासु, ये बहुत अच्छा हुआ, करण को सच्चाई पता चल गई। हाँ पापा। सो
स्वागत है तुम सबका। अरे बेटा, तुम हमें यहाँ क्यों लेके आए हो? हाँ करण, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? एक मिनट रुक, तुझे बताता हूँ। ये लो अपना भाड़ा और चलो निकलो। मेरे और मेरे दोस्तों के कारण आपका घर आपसे छिन गया, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी का बुरा हो। बासु को मैं अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मानता हूँ कुछ गलत फहमी हो गई थी, पर क्या करे, गलती तो इंसान से ही होती है। अरे करण बेटा, भूल जा उन बातों को। नहीं अंकल, जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता, ये बात भुलाई नहीं जा सकती है। अरे बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अंकल, आप लोग आओ मेरे साथ, आप सब समझ जाओगे। बासु, ये जो घर तुम्हें दिख रहा है, आज से तुम लोगों का। अरे नहीं करण, ये तुम क्या बोल रहे हो? यहाँ हम नहीं रह सकते। प्लीज बासु, मेरी बात मान। मेरे कारण तुम लोगों का घर छिन गया, और मैं ये तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। प्लीज ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें मेरी कसम। यार करण, तुमने ये क्या कर दिया? एक झोपड़ी में रहने वाले को महल गिफ्ट कर दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। एंड मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग यलगार का इंतजार कर रहे हैं, पर यार जो स्टोरी मैंने लिखी थी वो गलती से खो गई। तो जल्द ही हम लोग यलगार की नई शुरुआत करेंगे, पर तब तक थोड़ा इंतजार कर लो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से कर देना, एंड सेकंड चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियोस में आना है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना।